हाय, शाम की चाय और यहाँ की मैगी। सो व्यू देख सकते हो कितना सेक्सी था। सो मैं बस अभी घर जा रहा हूँ, अभी खा पी के हम लोग निकल चुके हैं लंच करके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू द चैलेंज इन लाइक सम टाइम। सो वीडियो के एंड तक देखना और आपको चैलेंज दिखा दूंगा कौन सा होने वाला है कौन सा नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय। आप ये छुप के क्यों, आपको किसने मारा है क्या? आप लोग का घर में भी हम लोग पूजा होता है तो हम लोग वो केसर उसर मना के जो मंडला बनाते हैं कुछ। आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष सहगल लेके आऊँ फिर से एक न्यू वीडियो। आज गेस करो हम किसके साथ जाने वाले हैं। गेस करो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही पकड़े हो, आज हम जा रहे हैं रीमा मैडम के साथ में लंच डेट करने के लिए। वहाँ पे लंच डेट करते करते मैंने एक प्लान सोचा है कि हम लोग आज कुछ न्यू करेंगे। हम लोग ने एक चैलेंज सोचा है, तो चैलेंज ऐसा होगा कि वो 5 पिकअप लाइंस हिंदी में मुझे बोलेगी और मैं 5 पिकअप लाइंस इंग्लिश उस पर ट्राई करूँगा। जो पूरे 5 परफेक्टली दे पाया उसके लिए हम गिफ्ट भी रखेंगे कुछ, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक के पूरा देखना और देखना वो कैसे मतलब हिंदी में ट्राई करती है पिकअप लाइंस बोलने का। और हाँ, ये ब्रांडेड जो टी शर्ट देख रहे हो, अगर ये मैंने यहीं से नेपाल से ख़रीदी है, आप देख सकते हो कितनी कूल लग रही है ये। तो अगर आपको टी शर्ट एंड ऑल भी ख़रीदना है तो मैंने ऊपर देखो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, तो वहाँ से मैंने मतलब ये टी शर्ट मतलब बाई की थी, वो जो पटनी मार्केट थी मैंने आपको बताया था, वहाँ से सिर्फ ओनली नेपाली डॉलर 200 रुपये पर डॉलर, मतलब इंडिया में 100 रुपया 150 रुपये, ठीक है? तो आज है डे 4 मेरा और अभी बज रहे मॉर्निंग के 10:30। चलो जाके एंजॉय करते, और कल वाला ब्लॉग देखना ज़रूर जो कल मैंने डाला था, ठीक है? गार्डन ऑफ ड्रीम्स का, वो भी बहुत प्यारा गार्डन है। यहाँ पर अगर वो भी देखा, वो भी लाइक मतलब यूनेस्को ने मतलब वहाँ पे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है नेपाल के, उसको भी बहुत अच्छा गार्डन है वो। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो गाइस, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ और प्यार दीजिए, थोड़ा सा कर दो यार। हज़ार लाइक तो मांगता हूँ हर वीडियो पर, इतना नहीं कर पाओगे तो क्या भाई यार। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाय, शाम की चाय और यहाँ की मैगी। सो मैं बस अभी घर जा रहा हूँ, अभी खा पी के हम लोग निकल चुके हैं लंच करके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू द चैलेंज इन लाइक सम टाइम। सो वीडियो के एंड तक देखना और आपको चैलेंज दिखा दूंगा कौन सा होने वाला है कौन सा नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय। तो फाइनली हम अपने क्रश को छोड़ के ज़रा हम लोग ने ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया है, पर मैं उसको बिना बताते अभी गायब हो रहा हूँ। सो देख लो कि पता नहीं अब जो आने के तुम मारेगी या क्या करेगी, क्या रिएक्ट करेगी। एक्चुअली मैं उसको इसलिए लेके नहीं गया कि उसको इवनिंग में उसको सरप्राइज प्लान किया है, तो इसी चक्कर में हम लोगों ने लाइक नहीं कर पाए चैलेंज। पर कोई बात नहीं, आप स्टे ट्यून्ड करना, हम आपको बोधिसत्वा टेम्पल दिखाएंगे आज, बोधिसत्वा टेम्पल, सॉरी टू से। और इवनिंग में मैं आपके लिए उसका गाना भी मतलब लाइक प्रेजेंट करूँगा, तो वीडियो के एंड तक के बने रहना। और थैंक यू सो मच मेरे नेपाल ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। A few moments later, हम लोग आए हैं बोधिसत्वा, लाइक आप देख सकते हो बोधिसत्वा प्रॉपर्ली। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मेरे हॉस्टल से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बोधिसत्वा है, और अगर आप अकेले आते हो तो आप बाइक बुक करो, बट अगर आप लाइक दो तीन लोकेशन में मेरे भैया के साथ जाओ, फ्रेंड के साथ, गौरव भैया के साथ आए हो, तो आई यूजुअली टेक लाइक कैब। तो कैब हमें पड़ी 525 नेपाली रुपीज, यानी इंडिया इट विल कॉस्ट लाइक 360 रुपीज। बाकी मैं आपको जो डिटेल्स अंदर जाने के बाद दूंगा, तो लेट मी चेक आउट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या थैंक यू। A few moments later. So how are you guys? तो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको एंट्रेंस पे दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारी लोकल शॉप भी है, अभी थोड़ी बारिश गिरी है ऐसी कैन सी, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं। कर मेरे को जानता नहीं है। तो जैसे
जैसे आप देखिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए थे कुछ, बट अभी बारिश आ गई तो हम लोग क्या करें। बट हाँ, आप देख सकते हैं लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत सारी मिल रही है। देख सकते हो पूरे बारिश की वजह से इन लोग लाइक जमा हो गए। 2 hours later. So view देख सकते हो कितना सेक्सी था। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। ये इनका नाम है व्यू हिमालय रेस्टोरेंट एंड टेरेस, बहुत अच्छा कैफे है। अगर आप यहाँ पे एक बार विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ की लोकेशन एंड वीडियोस एंड सभी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और नेपाली लोग मुझसे फ्रेंडली होते ही है। तो जैसे आपने अभी देखा कि नीचे बारिश आ रही थी तो हम लोग को बाजू में कैफे दिख गया था, तो हम लोग लाइक कैफे के मतलब कैफे के ऊपर आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे हुक्का हुक्का भी मिलता है और आपको पता है मैं हुक्के का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो एक हुक्का ऑर्डर किया है और उन्होंने सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर की, क्योंकि उन्होंने खाना खा के आया था और मैंने खाना भी ऑर्डर किया अपने लिए चिकन थाली। तो जस्ट यहाँ पे आए, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर निकलेंगे सीधा अपने घर, क्योंकि यार बोधिस टूम हम लोग एक्चुअली पूरा प्रॉपर नहीं बना पाए क्योंकि बारिश बहुत आ गई थी यहाँ। पता नहीं यार 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले चाइना मार्केट गया था तो चाइना मार्केट 7 बजे बंद हो गया। अच्छा वहाँ पे तो कंटेंट मिल गया था मुझे बहुत सारा, मेरी फ्रेंड वहाँ पे मिल गई थी। तो और अभी आज ये हो गया। तो यार नेपाल अगर आप आ रहे होंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। लाइक वेदर मतलब कैसा है ना कि कभी ठंडा रहता है कभी गर्म होता है, तो ऐसा कुछ कंस्टेंट वेदर नहीं है। बट हाँ ठंडी है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले आपको लाइक गर्म कपड़े आप कैरी कर लेना, मैं पहले ही बता दूँ। अगर आप लोग मतलब लाइक सिर्फ ट्रैवलिंग के पर्पज से आ रहे हो तो कि लाइक आप ज़्यादा हैवी कपड़े मत लेके आओ। मतलब हैवी मीन्स कैसा है कि हैवी आप गर्म कपड़े लेके आओ, बट ज़्यादा लाइक अगर आपको विंटर मतलब आप ट्रैकिंग एंड ऑल के हिसाब से आ रहे हो तो वही चड्डे वड्डे टाइट्स वैसे शॉर्ट्स वॉर्ट्स उससे में कैरी करना, क्योंकि वो आपको ईजी पड़ेगा अगर आप पोखरा साइड रहने जा रहे हो तो। और याद रखना अगर एवरेस्ट साइड जाओगे तो गर्म कपड़े कैरी करना, और अगर काठमांडू में भी रहोगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही है। ठीक है, अगर आप बोधि स्तूपा आते हो जैसे मैं अभी यहाँ पे आया था, यहाँ पे लाइक बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है घूमने के लिए। मैं ज़्यादा कवर कर नहीं पाया, रीज़न यही था कि बारिश आ गई थी इसलिए हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए। सो भैया अभी इसके बारे में थोड़ी हमें ये लाइक इन्फॉर्मेशन देंगे स्तूपा के बारे में। सो और इसमें जो ऊपर में है 13 स्टेप, वो 13 स्टेप जो होता है ये मतलब हम लोग का जीवन में जो हिंदुज्म में हिंदुज्म ये हिंदू ही है हिंदुज्म में जो होता है 13 स्टेप ऑफ द लाइफ, 13 स्टेप ऑफ लाइफ। और जो ये बीच में जो ये इसको बोलते हैं मंडला जो हिंदू रिलीजन में, जैसे आप लोग का घर में भी हम लोग का हिंदू रिलीजन में भी पूजा होता है तो हम लोग वो केसर उसे बना के जो मंडला बनाते हैं सेम लाइक वो है। और इसमें 108 मूर्ति है वहाँ पर, सब देव भगवान का है मूर्ति, जो वो छोटा छोटा जो वो दिखाई दे रहा है ना 108 उसमें वो मूर्ति सब है। ओके मतलब ये मैंने एक्चुअली सर्च किया था तो ये 465 BC का था। हाँ मतलब उससे भी पुराना है, 1600 साल से पुराना है। हाँ उससे भी पुराना है। और ये इसमें 2 रिलीजन है, एक तो त्रिबेटन का कल्चर से एक तो बनाया हुआ है इतिहास। हाँ और जो यहाँ शाक्य मुनि जो थे वो देखो वहाँ बुद्धिस्ट है। हाँ तो ये 2015 में जो भूकंप गया, हाँ भूकंप जाने के बाद वहाँ ऊपर आप देखते हैं ऊपर में इतना वो असर भी सब था वहाँ पर। अच्छा था, कम से कम 4-5 छुटकेस तो नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं टिबेटियन टाइप में उसमें इतना असर भी। और जी माला जिसका मूल्य अभी भी करोड़ से ज्यादा है। अच्छा जी माला सब था। अच्छा वो अभी भी ऊपर में अभी भी ऊपर में। अच्छा, क्योंकि ये पूरा बनाया। अच्छा वो जो गोल्डन है वो, हाँ वो तो सब गोल्ड प्लेटेड है। ओके गोल्ड प्लेटेड है। और आपको बोल दे रहे हैं हम ये सिक्किम का जो रेम्पोचे है, हाँ? जो ऊपर में जो इसमें रेम्पोचे ने 23 या 24 किलो सुन दान किया हुआ है। अच्छा A few moments later. तो मैं नेपाल की थाली दिखा दूँ, चिकन थाली जो 350 रुपीज़ में मैंने बनाई है। ये है वो नेपाली थाली, इसमें आप देख सकते हो दही चटनी दाल ऐसी होती है, मटर की सब्जी मेथी की सब्जी और चिकन और एक स्प्राइट।
द थाली फकिंग ऑसम। आई गॉट इन थाली, नेपाली थाली। इंडिया का खाना नेपाल का खाना सेम ही होता है, बस थोड़ा इंग्रेडिएंट्स का फर्क होता है। यहाँ पे ही नहीं पूरे नेपाल में, मतलब अच्छी अच्छी जगह पे कहीं पे लोकल फूड अगर आप खाओगे तो वो सस्ता पड़ता है आपको। लाइक जैसे अगर आप स्टॉल वाले छोटे मोटे स्टॉल से खाते हो तो आपको 100-200 में आपका नेपाली में पेट भर जाता है। बट मैंने यहाँ पे थोड़े अच्छे होटल में आया हूँ तो मैंने यहाँ पे 450 rupees की थाली ऑर्डर की है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है क्योंकि यार यहाँ पे अनलिमिटेड थाली होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा खा लो और गायब हो जाओ, यहाँ पे आप जितना रिफिल करने बोले कि उतना रिफिल कर देते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बहुत दिन से। वहाँ पर मैं थोड़ा इवनिंग के टाइम पे आया था। तो लेट्स अगर आप जब भी यहाँ पे बोधिस्तूपा अगर लाइक एक बार आप नेपाल में विजिट करोगे तो सच में यहाँ की प्लेस आप देख सकते हो पूरी टूरिस्ट लोगों से भरी हुई है। सो गाइस मुझे फाइनली यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं तो मैं उन लोग के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ। आप लोगों का नाम यानी आपका और आपका एज यू नो मी। तो आप लोग यहाँ पे मतलब यही के आसपास की हो, यू नो हिंदी ना लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी। आप ये छुपके क्यों, आपको किसने मारा है क्या? आर यू कॉमेडी मी। मुझे इसका ओके। तो आप लोग मतलब यहाँ पे डेली आते हो? नहीं, मतलब वीकेंड्स पे कभी कभी। तो मैं इन लोग की इंस्टाग्राम और सब लोग मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर दो इन लोगों को, ढेर सारे फॉलोअर्स दे दो इनको फ्री में, और इन लोग से फिर मैं 2 lakh rupees लूंगा वो अलग। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड थैंक, अब बोलो सब लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाइक सहगल व्लॉग्स। थैंक यू। 2 hours later. हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, जान है बांधता कसम है कसम है कसम से। हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अभी प्यार हमसे कसम हे कसम हे कसम से। हमको प्यार है ऐसे मत देखो मेरे को हो जाएगा। बहुत क्यूट लग रही है। यार देख भाई फिर गलत हो जाएगा, इसलिए उसका थोड़ा बहुत अच्छा गाती है यार सच में को, इसके इससे तो नहीं पर इसके गानों से पक्का प्यार हो जाएगा। ठीक है श्योर, शाबाश। तो मुझे भी एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतनी अच्छी गाती है करके, मेरे को मतलब थोड़ा सा डाउट था, बट सीरियसली शी रॉक्स। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे भी और बहुत सारी वीडियोस आएगी मैडम की, चैलेंज भी कराऊंगा इससे एक थोड़े दिनों में, तुम रुक जाओ। बट यार सीरियसली बहुत अच्छा, और इसका एक सॉन्ग भी आएगा कुछ दिनों में, मैं आपको वो भी अपडेट करूंगा। हिंदी सॉन्ग आएगी है देख मैडम को। तो बस वीडियो खत्म करके अभी हम लोग अपने कार की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ आज कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे लगा बारिश की वजह से मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट स्टिल वी गॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट। बाय। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी भी आएंगे ना यहीं पे आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ के मालिक भी बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो का, और आज हम आपको टाइट लाइट भी दिखाएंगे। तो कपड़े थोड़े सेम रहेंगे मेरे, यहाँ शायद देखो घर जाके चेंज कर लो, तो जैसा भी रहेगा मैं आपको पूरा बता दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।